remember the night that we met. Back at the party, you sat on the bed. You said I'm talented, you said I'm next. My only talent is making you stressed. I know that I'm not at my best. Lately I'm feeling like less. I hope that I see you again. If I don't, then I'll lay at the rest. It's crazy how it goes. Left me all alone. I've been trying to move on. All I find a hole. Searching for a pot of gold. Don't know if I'll ever know how she left me with no damn place to go. I'm okay, I'll be fine. I'm just out of my mind. तो गाइज इस वीडियो पे एक छोटा सा गिव अवे है। तो गाइज आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जाना है सीधा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ मिलेगी मेरी इंस्टाग्राम की लिंक, और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आप उसे फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को। एंड उसके बाद गाइज कल यानी कि मंडे को 11 बजे आपको 200 रुपये का रिडीम कोड मिल जाएगा तो स्टोरी पे, ठीक है। तो जो सबसे पहले 11 बजे मेरी स्टोरी सीन करेगा तो वो रिडीम कोड उसका हो जाएगा। तो सब लोग 11 बजे कल तैयार रहना गाइज। एंड जिसने भी फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे, फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड जो भी विनर होगा गाइज वो एक बार ही वीडियो में आके कमेंट कर दे ताकि हमें पता चल सके कि कौन विनर था। तो सो गाइज आप लोगों को जाना है डिस्क्रिप्शन पे, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको सबसे टॉप पे मिलेगी। अगर कुछ दिक्कत होती तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको दोबारा लिंक विंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जाके फॉलो कर लेना मुझे। चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको वाइट FF की कस्टम SUD के बारे में बताने वाला हूँ कि वाइट FF की कस्टम SUD कैसी है। पर गाइज मैं आपको उसको सेम टू सेम नहीं बताने वाला, बस मैं आपको बताऊंगा कि आप उसकी तरह खेल कैसे सकते हो। मतलब उसकी जो कस्टम SUD है वो काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट हैगी, उससे खेलना मतलब बहुत मुश्किल आएगा। तो मैं आपको ईजी वाली बता रहा हूँ जिससे आप उसकी तरह सेम डिट्टो खेल सकते हो, पर थोड़ा सा अलग होगी उसकी, सेम जैसी कस्टम SUD नहीं होगी। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और वीडियो अभी तक गाइज लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पूरी कस्टम SUD मैंने हैंड कैम से समझा रखा है कि आपको कहाँ पे क्या रखना है, तो आपको थोड़ी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो गाइज अब आप स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अब हम आ चुके हैं हैंड कैम पे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ खेल के कि कैसे खेलना आएगा। कि देखो गाइज ऐसे सेम टू सेम होता है, बस थोड़ी सी मूवमेंट अलग होती है। अब आपको भी पता आएगा आईफोन में मूवमेंट और एंड्रॉयड की मूवमेंट बहुत डिफरेंस हो जाता है सेंसिटिविटी का, इसलिए आप लोगों को मूवमेंट कम लग रही होगी, बट जो HUDL बने बनाई है वो सेम ऐसी हैगी, बल्कि ये वाली ज़्यादा इजी है और आप इसमें YTFF की तरह खेल भी सकते हो। और जो YTFF की हैगी उसमें मतलब उसने जो सिट वाला बटन हैगा वो वाला भी वहाँ पे थर्ड फिंगर पे रखा है। तो गाइज आपको जो अपना जंप बटन है उसे ऊपर ले आ के रख देना है इंडेक्स फिंगर के लिए, और जो अपना क्विक वेपन स्विच है आपका उधर नीचे होगा तो उसको उठा के वहाँ रख लेना है, और जो बाकी सब चीज़ आप उसको वहीं पे रख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका हाथ सेट आएगा। तो उसके बाद सिंपली गाइज बहुत ही ईजी था, आप लोगों को इंडेक्स फिंगर से अपना जंप करना है। एंड हाँ उस वक्त गाइज आपको ये देख लेना है, आपको पहले इंडेक्स फिंगर से जंप करना है, उसके बाद थंब से आपको क्विक वेपन स्विच दबाना है। अगर आप एक साथ दोनों दबाओगे तो सिर्फ जंप होगा ना, आप हाथ में आपके गन नहीं आएगी गाइज, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो गाइज तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपको दोबारा से कस्टम SUD कैसे सेट करनी है। तो सिंपली गाइज आप लोगों को जाना है कंट्रोल्स के अंदर, और वहाँ पे आपको सीधा चला जाना है कस्टम SUD, और देखो गाइज आपको जो अपना जंप बटन है उसे इंडेक्स फिंगर की साइड सेट कर देना है। आपका अभी जो जंप बटन होगा अगर आप टू फिंगर खेलते हो तो आपको इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो गाइज आपको सिंपली इसे उठा के ऊपर रख देना है ताकि आप इंडेक्स फिंगर से इसे यूज़ कर सकें। एंड अपना जो आपका क्विक वेपन स्विच है वो वाला बटन जो होगा आपका वो फायर बटन के बगल में होगा, अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं कराएगा, ठीक है गाइज। अगर आपको YTFF की तरह खेलना है तो आपको ये क्विक वेपन स्विच यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे होगा कुछ आपका, तो आपको उठा के कुछ यहाँ पे सेट कर लेना ताकि आप इंडेक्स फिंगर और जंप फिंगर थंब फिंगर से आप यूज़ कर सको, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दे लो गाइज, पहले आपको जंप दबाना है उसके बाद क्विक वेपन स्विच दबाना है। अगर आप दोनों एक साथ दबा दोगे तो जो गन है वो हाथ में नहीं आएगी। तो गाइज आपको पहले जंप वाला बटन दबाना है उसके बाद क्विक वेपन स्विच वाला बटन दबाना है, जिससे आप जंप भी कर लोगे और आपके हाथ में गन भी आ जाएगी और आप सीधा एनिमी पे फायर कर सकते हो। तो गाइज ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स या फिर अजीब कस्टम SUD नहीं थी YTFF की तरह खेलने के लिए, एकदम इजी सी नॉर्मल सी है, एकदम सिंपल है, बस आपको जंप उठा के अपनी थ्री फिंगर पे सेट कर देना है। और गाइस इसमें आपको ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी क्योंकि ये
जब हम दोनों एक साथ दबाते हैं ना, मतलब कई कई बार दोनों दब जाता है, जंप भी दब जाता है, क्विक वेपन स्विच भी दब जाता है, जिससे ना कई बार हाथ में गन नहीं आती है। तो इसकी प्रैक्टिस गाइज आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में करनी है। अगर आप सीधा रैंक मैच में करोगे या क्लैश कोड रैंक में करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पहले आप ट्रेनिंग ग्राउंड में खेल लेना काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद आप लोग स्विच करना रैंक में और क्लैश कोड रैंक में। अगर आप थ्री फिंगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो गाइस, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, आप इसमें सब कुछ कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप लोगों ने स्टार्टिंग में मोंटेज देखे होंगे कैसे थे एंड किस तरह आप इस पे खेल सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं किया है तो ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलो गाइस, बाय बाय।